हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सौराज सहाय और आज के इस वीडियो में मैं आपको पुरी के 10 बहुत अच्छी घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप पुरी घूमने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है गोवर्धन मठ और इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है और ये पुरी के बीच से थोड़ी ही दूर पर स्थित है और यहाँ पर हर दिन शाम के समय में समुद्र आरती भी की जाती है। नंबर 9 पर है गुंडीचा टेंपल और यहाँ पर हर साल रथ यात्रा के समय में काफी श्रद्धालु आते हैं और ये टेंपल समर्पित है भगवान जगन्नाथ जी को। आप पुरी जाए तो इस टेंपल में जरूर विजिट करें। नंबर 8 पर है चिलिका लेक और ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है और ये लेक पुरी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करके पक्षियां आती हैं और यहाँ पर अन्य भी कई सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। नंबर 7 पर है सखी गोपाल टेंपल। ये टेंपल समर्पित है भगवान श्री कृष्ण को। ये काफी प्रचलित मंदिर है पुरी की और ये पुरी में स्थित काफी पुरानी मंदिर है और ये गुंडीचा टेंपल से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। नंबर 6 पर है रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज और इस विलेज को सन 2000 में स्थापित करी गई थी और यहाँ पर लोकप्रिय पट्टा चित्र की जाती है और यहाँ पर मूर्ति कला, उसार चित्रकारी और भी कई सारी कला यहाँ पर करी जाती है और ये विलेज एक पॉपुलर पर्यटक स्थल बन चुकी है। नंबर 5 पर है सुदर्शन क्राफ्ट्स म्यूजियम और ये म्यूजियम सुबह के 7 से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है और इस म्यूजियम को सुदर्शन साहू जी द्वारा शुरू किया गया था और इस म्यूजियम में आपको पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां और पेंटिंग जैसे और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 4 पर है नरेंद्र पोखरी और ये पुरी के जगन्नाथ टेंपल से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस कुंड को 15वीं शताब्दी में नरेंद्र देव जी ने बनवाया था और इस कुंड को चंदन पुष्करी नाम से भी जाना जाता है और ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 3 पर है मार्कंडेश्वर टेंपल और इसे पुरी उद्यान भी कहा जाता है और ये टेंपल समर्पित है भगवान शिव को और ये टेंपल पुरी की काफी पुरानी मंदिर है। इस टेंपल को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस टेंपल में हर साल काफी श्रद्धालु आते हैं। और नंबर 2 पर है पुरी बीच और इसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। खास करके लोग पुरी इसलिए आते हैं ताकि वो पुरी बीच जा सके। तो अगर आप पुरी आए तो पुरी बीच जरूर जाए। पुरी में और भी कई सारे बीच हैं जहां आप जा सकते हैं। और नंबर 1 पर है श्री जगन्नाथ टेंपल और ये पुरी की मुख्य आकर्षण है। इस टेंपल को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और पुरी के जगन्नाथ टेंपल में हर साल कई सारे सैलानी आते हैं। जगन्नाथ टेंपल मुख्य हिंदू टेंपल है जो कि स्थित है पुरी में। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।